नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगा दोस्तों, पीएमजे में जो है आयुष्मान भारत की लिस्ट में नेम को कैसे ऐड किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है दोस्तों। क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड बनवाते समय जो है ये लिस्ट में नाम नहीं, जब नहीं मिलता है तो उसके लिस्ट में नाम ऐड करवाया जाता है। सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेंगे पीएमजे और इसका साइट खुलेगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जो है इसको सिंपल सा क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने पर जो है हमारा जो नेक्स्ट पेज आएगा उससे जो है ऑथेंटिकेट करेंगे। और यहाँ पे भी ट्रैक का भी बटन दिया गया है कि आपका लिस्ट में नाम ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके बारे में दोस्त चर्चा करूँगा। अगर जो आप सबने हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पीएमजे जो है ऑप्शन चुनेंगे दोस्तों। उसके बाद इस तरीके का जो हमारा कोई पेज खुलेगा, इसमें जो है हम बेनिफिशरी को जो है लिस्ट में डालेंगे और यहाँ पे नाम ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट पर ऑप्शन डालेंगे। यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट पे ऑप्शन डालेंगे, उसके बाद जो है सब कुछ जो है फिल करते जाएंगे, बेनिफिशरी डिटेल वगैरह सब फिल करते जाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है डिटेल सब फिल कर रहे हैं और वन बाय वन जो है आप जान सकते हैं। आप अपने एड्रेस के अनुसार जो है जो भी आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो ईयर हो तो आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे की ओर ईयर सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है मोबाइल नंबर डालेंगे अपना, और दोस्तों जो कुछ भी जैसा है हम अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है सही से फिल करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम जो है सब फिल कर रहे हैं अपना डिटेल। तो आप अपना डिटेल जो है खुद जो है अपना एड्रेस वगैरह सही से फिल कीजिए। उसके बाद दोस्तों जो है इसमें लिस्ट में जो नाम हम ऐड करेंगे तो इसमें आधार सेलेक्ट करके दोस्तों हम लिख देंगे आयुष्मान भारत कार्ड में लिस्ट ऐड करना जो है, एक हम अपना डिस्क्रिप्शन डाल देंगे जिससे पता हो जाए कि हाँ कि हम अपना नाम जो है लिस्ट में डलवाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है आप जो है कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी है आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके का जो है हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है दोस्तों मैसेज आएगा, उसको ओके करेंगे। उसके बाद दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे जो है पथ ले नहीं रहा था क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया गया था, तो आप जो है पथ को सही कर सकते हैं यहाँ पे जो है। और आधार कार्ड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, उसको सेलेक्ट करने के बाद हम जो है सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एग्री करके, और अब मिलान भी कर लेंगे कि कोई कुछ मेरा गलत तो नहीं है। फाइनली जो है हम अपडेट करेंगे और उसके बाद ओटीपी जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उस ओटीपी को डाल करके दोस्तों हम इसका वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा वेरीफाई हो गया और जनरेट हो गया है। अगर दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।